दुनिया भर के फैंस मिशन इम्पॉसिबल 7 देखने के लिए उत्साहित थे। एक्शन और मिस्ट्री से भरपूर इस फिल्म में टॉम क्रूज जबरदस्त स्टंट करते नजर आए हैं। लेकिन इस फिल्म और टॉम क्रूज से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। क्या है ये चौंकाने वाली बात? 61 साल के हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज अपने करियर के बेस्ट फेज में है। साल 2022 में अपनी फिल्म टॉप गन मैवरिक से बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने के बाद अब टॉम अपनी हिट सीरीज मिशन इम्पॉसिबल के साथ वापस आ गए हैं। इस बीच फिल्म के बजट और इसके लीड एक्टर टॉम क्रूज का खुलासा भी हो गया है। मिशन इम्पॉसिबल डेड रैकनिंग पार्ट 1 को $290 मिलियन यानी लगभग 2385 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। टॉम क्रूज हॉलीवुड इंडस्ट्रीज के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक है। उनकी फीस की बात करें तो उन्होंने 12 से 14 मिलियन डॉलर यानी लगभग 98 से 115 करोड़ रुपए फीस के तौर पर लिए है। इसके अलावा टॉम इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, इसका फायदा भी उन्हें मिलने वाला है। दुनिया भर के फैंस मिशन इम्पॉसिबल 7 देखने के लिए उत्साहित थे। फिल्म में टॉम को मोटरबाइक लेकर पहाड़ से जंप लगाते देखा जा सकता है। एक्टर ने बताया ये उनका अभी तक का सबसे खतरनाक स्टंट है, वो बचपन से ये स्टंट करना चाहते थे। यूं तो बहुत दर्शकों की उम्मीदों पर ये फिल्म खरी नहीं उतरी, फिर भी इसे देखने सिनेमाघरों में लोग पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DSTV।